angle magnification theorem padho. पहले क्रिटिकल पॉइंट पढ़ लो क्या होता है. बच्चों एक बात सुनो, फंक्शन एनालिटिक हो किसी पॉइंट पर, लेकिन डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पे कितना आ जाए, जीरो. फंक्शन एनालिटिक है लेकिन डेरिवेटिव वहां कितना आ गया, जीरो. सच ए पॉइंट इज सेट टू बी द क्रिटिकल पॉइंट. जैसे एफ जेड इज इक्वल टू ले लूं 1+1/z, या ये ले लो z+1/z. अब डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव आ गया 1-1/z². अब सुनो, जेड इज इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, जेड इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन जेड इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, जीरो. ऐसी -1, जेड इज इक्वल टू -1 पर ये फंक्शन आपका एनालिटिक है, लेकिन जेड इज इक्वल टू -1 पर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, जीरो. तो क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो, एनालिटिक, लेकिन डेरिवेटिव कितना आ जाए, जीरो. अब एक बात सुनो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ गया किसी पॉइंट पर, ये जीरो आ गया जी, फंक्शन आपका एनालिटिक है, डेरिवेटिव जीरो आ गया, तो आप आगे भी बढ़ो, एक बार सेकंड डेरिवेटिव चेक करो वो जीरो आ रहा है क्या, थर्ड डेरिवेटिव चेक करो, और उसके बाद तुमने देखा एन माइनस वन तक के डेरिवेटिव तो कितने आ रहे हैं, जीरो, और nth डेरिवेटिव कितना आ रहा है अगर, नॉन जीरो. तो बच्चों एक एंगल मैग्निफिकेशन होता है, ये क्या है, जीरो. तो एंगल एन टाइम्स मैग्निफाई हो जाएगा, इस थ्योरम को एंगल मैग्निफिकेशन बोलते हैं. दो बार गेट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर से, एक्सरसाइज में तो मैंने लिखे नहीं हुए हैं, पीछे असाइनमेंट में डले हुए हैं, अभी बता देता हूं कौन कौन से. देखना, मान लीजिए ये आपके पास एक कर्व है, ये कोई दूसरा कर्व है, ये पॉइंट आपका जेड नॉट है, C1 C2 दो कर्व है, दिस इज C1 दिस इज C2, दिस एंगल इज ऑफ 20 डिग्री. आई लेट मी टेक, देर इज ए मैपिंग W इज इक्वल टू एफ जेड. ओके, ध्यान से सुनना, एफ डैश जेड नॉट मान लो जीरो आ रहा है, एफ डबल डेरिवेटिव भी जेड नॉट पर जीरो आ रहा है, लेकिन माना कि एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव जेड नॉट पर क्या आ रहा है, वो नॉन जीरो आ रहा है, ऐसे. ठीक है, ठीक है क्या, बोलो. तो पता थ्योरम क्या बोलती है, AM थ्योरम, एंगल मैग्निफिकेशन थ्योरम, क्या बोलती है, इन दोनों कर्व्स की इमेजेस के बीच में जो एंगल आएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा. नहीं बात समझ आई, पढ़ ली क्या थ्योरम है? अगर nth डेरिवेटिव कितना रहा है, नॉन जीरो, तो एंगल बिटवीन द इमेजेस विल बी द n टाइम्स एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स. मतलब C1 C2 की इमेज अगर तुम बनाओगे, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, W ये पॉइंट आया, ये C1 डैश आया, ये C2 डैश आया, ठीक है, और ये एंगल अगर तुम देखोगे, ये C1 डैश है, ये W है नॉट, ये एंगल कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 60 डिग्री. दो बार गेट में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है. अच्छा, जब एंगल एन टाइम्स हो गया तो कन्फॉर्मल तो नहीं है मैपिंग, कन्फॉर्मल कहां है, कन्फॉर्मल होने के लिए तो क्या होता है, एंगल मैग्नीट्यूड में और साइंस में दोनों में सेम रहना चाहिए. लेकिन अगर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, फिर आप देख लो कितने डेरिवेटिव जीरो आ रही है, nth डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आया तो एंगल विल बी n टाइम्स, एंगल बिटवीन द इमेज कर्व्स विल बी द n टाइम्स एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स. सेंस सेम रहेगी, एनालिटिक है, सेंस सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड इतना बढ़ जाएगा, एनालिटिक है ना, क्योंकि शुरू में ही, तो सेंस सेम रहेगी. एंगल मैग्निफिकेशन के गेट के दो सवाल है, देख ही लोगे तुम असाइनमेंट में, लिखवाऊं मैं, देख लोगे ना. एक तो है क्वेश्चन नंबर 26, 130 पेज पे, आओ जरा. एफ डैश जेड नॉट नॉन जीरो है कन्फॉर्मल में, हाँ कन्फॉर्मल नहीं हुई है, तो सेंस मतलब मैग्नीट्यूड अलग हो गया ना, तो कन्फॉर्मल कैसे कहोगे, ये 20 है वो 60 है, कन्फॉर्मल कब कहते हैं, जब मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों सेम रहे. यहां पर क्या होगा, सेंस तो सेम रहेगी पर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया,
पेज 130 क्वेश्चन नंबर 26 और 36 दोनों पे लिख लो एंगल मैग्निफिकेशन और खुद करना घर जाके और नकल ना मारना प्लीज पूछना मत किसी से 26 36 एम लिख लो दोनों पे एंगल मैग्निफिकेशन लिख लो 5.8 पे आ जाओ लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की हां जी सम मोर मैपिंग्स एक तो बच्चों पहले मैं एक्सरसाइज में आओ ये तो मैंने कर ही दिया था तुम्हें एक तो पहला क्वेश्चन ये है एफ जेड इज इक्वल टू 1/z ये तो मैं कल करा चुका हूं दूसरा क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1/z ये हम आज करेंगे नेट में आया भी हुआ ये तीसरा क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर ये एक मैपिंग डिस्कस करेंगे और चौथा भी यही है फिर एक साइन जेड और एक कॉस जेड इनको भी डिस्कस करेंगे बच्चों ये तो कर चुके हैं कल करा था ना ये तो इन्वर्जन मैपिंग ही तो है ये अच्छा लो देख भी लेते हैं उसने इमेज किसकी पूछी है ये पहले इसकी इमेज मांग रहा है मोड जेड इक्वल टू 1 की इमेज क्या आएगी मोड डब्ल्यू इक्वल टू 1 करा था ना कल yes, कैसे करोगे ये z की वैल्यू किसकी टर्म्स में निकाल ली w की टर्म्स में और इसकी जो इमेज है वो तो सीधी सीधी मोड w इज इक्वल टू 1 ही आएगी डायरेक्ट एक सेकंड का काम है अच्छा एक बात और सुनो लास्ट कल वाले लेक्चर के अंदर हमने इसको ओरिएंटेशन भी चेक करी थी देखो इमेज आ गई है अलग बात है लेकिन कल आप पता है हम जब इस सर्कल के ऊपर कैसे चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी इमेज पर हम कैसे चल रहे थे क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन या सेंस की बात अगर करें डायरेक्शन की बात करें लेकिन यहां पर तो इमेज पूछी है खाली एक तो ये पूछा है कल कर चुके हैं हम ये एक और क्या पूछा है एक्स इज इक्वल टू 0 की इमेज पूछी है हां जी क्या आएगा यू इज इक्वल टू 0 वैल्यू याद कराई थी कल yes, sir. क्या होती है एक्स की वैल्यू यू अपॉन यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर तो यू अपॉन यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर को जब 0 रखोगे इसको उठा के उधर लेगे यू इज इक्वल टू क्या आ गया 0 तो ये काम तो कल हो चुका है रिपीट हो गया छोड़ दो इसको खत्म ठीक है ओके अब इस पे आ जाओ जेड प्लस 1/z पे बच्चों देखना सेकंड क्वेश्चन है ये नेट में आया हुआ है कहता है जी ये आपका यूनिट सर्कल है जिसका की नाम है मोर जेड इक्वल टू 1 ठीक इसके ऊपर ये वाली मैपिंग आपको लगानी है ठीक है और आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा इसको मिटा देता हूं अभी ये सवाल है देखना सबसे पहली बात ये जब क्वेश्चन आया था ना इस क्वेश्चन को बच्चों ने सोचा कि ये तो बीटी का क्वेश्चन है कई बच्चों ने आगे कंप्लेन की सर बीटी का क्वेश्चन था हमारा गलत हो गया ये हो गया ये बीटी है क्या जेड प्लस 1/z इसका एलसीएम लोगे जेड स्क्वायर नहीं बन गया क्या ऊपर जेड स्क्वायर प्लस 1/ सारे के ओपटे में जेड आएगा ये बीटी है क्या तो अगर बीटी का तुम रिजल्ट लगाना चाह रहे हो सर ये सर्कल विल गो टू सर्कल और लाइन विल गो टू सर्कल और लाइन ऐसा कुछ नहीं है दिस इज नॉट ए बीटी और बीटी छोड़ चुके हम पीछे ये तो एक जनरल मैपिंग है जनरल फंक्शन है ठीक है सुनो मोर जेड इक्वल टू 1 यहां से आ रहा है मतलब ये निकला जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा ठीक है क्या अब सुनो मुझे इसकी इमेज निकालनी है पोलर फॉर्म यूज करूंगा मेरे लिए अच्छा रहेगा पता है क्यों 1/z है इस जेड को ले जाकर यहां पुट करूंगा 1/z करेंगे ई की पावर आयोटा थीटा ऊपर आ जाएगा कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी पोलर फॉर्म यूज करने का ये फायदा है मोर जेड इक्वल टू 1 कहना या जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा कहना एक ही तो बात है इसी की तो इमेज निकालनी है ना मुझको जाइए रखिए जरा उसके अंदर एफ ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा हां जी जेड रख दिया क्या ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा ऊपर चला गया रेसिप्रोकल हो गया पावर नेगेटिव हो गई बताओ क्या बन गया ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
cos theta minus iota sin theta, क्या आंसर आ गया बच्चों? ये तो आपके पास 2 cos theta आ गया, ठीक है क्या? और theta कहां से कहां तक चलेगा? Theta चलेगा 0 से लेकर 2 pi तक. Theta 0 से 2 pi तक. बच्चों एक बात सुनेंगे सभी जान से, थीटा अगर 0 से 2 पाई तक जा रहा है, तुम एक बात बताओ मुझे, कॉस थीटा कहां से कहां तक रहेगा? माइनस 1 से लेकर 1 तक, सब जानते हैं. इफ थीटा मूव्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई, देन कॉस थीटा विल लाई बिटवीन माइनस 1 एंड 1. इज इट ओके? अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू व्हाट? 2 कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1. दिस 2 कॉस थीटा इज माय दिस. बोलो, तो ये आ गया जी आंसर. माइनस 2 और 2 के बीच में आंसर रहेगा, रियल नंबर हमेशा आएगा. जाता हूं देखो इधर, ये माइनस 2 है और ए, ये मेरा मान लो 2 है, ठीक है? माइनस 2 और 2 के बीच का ये वाला पोर्शन कवर होगा, ठीक है? मतलब ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसकी बाउंड्री का कोई भी पॉइंट उठाओगे तो ये वाला पोर्शन आएगा. अच्छा, कुछ वेरिफिकेशन कर ले क्या? ये 1 है, ये आयोटा है, ये माइनस 1 है, ये माइनस आयोटा है. रखता हूं, देखना 1 को, 1 रखा यहां पर, 1 प्लस 1 2 आया, ये पॉइंट आ गया. आयोटा उठाना, आयोटा को उठा के जड़ की जगह रखो. आयोटा 1 अपॉन आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 0 आ गया, ये आ गया. बोलो, माइनस 1, माइनस 1 को उठा के जड़ की जगह रखो, माइनस 1 माइनस माइनस 2 आ गया, ये आ गया. और माइनस आयोटा को उठा के रखोगे वो भी बीच का पोर्शन आएगा. प्लीज ये मत कहना ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, समझ गए? ये माइनस 2 से 2 तक का पोर्शन कवर हुआ है, पूरी लाइन कवर नहीं हुई है. तो डोंट कॉल इट लाइन. व्हाट इज दिस? दिस इज ए लाइन सेगमेंट. ये आपके पास लाइन सेगमेंट है. ओके, तो मैं कहूंगा द मैपिंग एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 बाई जेड मैप्स द यूनिट सर्कल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, ध्यान देना प्लीज. आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर. और वो बात लगेगी भी नहीं यहां पर जो बीटी वाली बात थी कि इंटीरियर एक साइड जाएगा और एक्सटीरियर दूसरी साइड जाएगा, वो बीटी के लिए है, सबके लिए नहीं है. समझ गए क्या? तो मैं कहूंगा द मैपिंग एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 बाई जेड मैप्स द यूनिट सर्कल मोर जेड इज इक्वल टू 1 टू द लाइन सेगमेंट फ्रॉम माइनस 2 टू 2 ऑन द रियल एक्सिस. ओके, तो ये इसका आंसर आया. अच्छा जी, आगे आओ, थर्ड क्वेश्चन. जेड स्क्वेयर वाला थर्ड तो तुम करोगे, फोर्थ भी तुम ही करोगे, फिफ्थ मैं कर रहा हूं. सिंपल सा है, थर्ड कुछ नहीं है, फिफ्थ सिक्स्थ एक कर देता हूं इनमें से, बाकी तुम कर ही लोगे. देखना क्या है, क्या है फाइव? एक्स इज इक्वल टू 1 की इमेज निकालनी है साइन जेड के अंडर, फिर एक बार वाई इज इक्वल टू 1 की भी निकालनी है. पांचवा छठा एक से ही सवाल है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इज इक्वल टू 1, ये लाइन है बच्चों, दिस इज द लाइन. ये x, ये y, ये 1, यहां से यहां पर तुम काम कर रहे हो. ये तुम्हारा u एक्सिस है, ये तुम्हारा v एक्सिस है, और इस x इज इक्वल टू 1 लाइन की आपको इमेज निकालनी है, और जो मैपिंग है वो आपके पास w इज इक्वल टू क्या है? साइन जेट. ये क्वेश्चन है. तो मुझे ये, अच्छा बीटी नहीं है प्लीज, ये ना सोचना कि इस लाइन के बदले में परली तरफ लाइन बनेगी या सर्कल बनेगा. वो रिजल्ट किसके लिए थे? बीटी के लिए. ये तो एक मैपिंग है डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड. और इस लाइन पर अप्लाई करनी है. इफ आई टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दिस लाइन, तो मुझे बताना है कि राइट साइड में क्या करवाएगी, क्या आंसर आएगा. साइन जेड इस वर्टिकल लाइन को कहां भेजेगा, ये मुझे बताना है. ओके, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू फाइंड ए इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी. एक काम करना, इसको लो,
x इज इक्वल टू वन है, w होता है u प्लस आयोटा v, साइन जेड क्या होता है, साइन ऑफ x प्लस आयोटा y। अच्छा मेरा चल रहा है x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन चल रहा है तो मैंने x को वन पुट कर दिया, यहाँ पे क्या गया, साइन ऑफ वन प्लस आयोटा y। खोल लो बच्चों, करवाया था पहले चैप्टर में साइन वन, दूसरा बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक y प्लस में बोलो क्या आएगा, आयोटा कॉस वन साइन हाइपरबोलिक y, कराया था ना फर्स्ट चैप्टर में, करके आए हम इसको। यहां से ऐसा करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लो, बताओ u कितना आ गया, u आ गया साइन वन कॉस हाइपरबोलिक y, बताइए v कितना आ गया, v आ गया कॉस वन साइन हाइपरबोलिक y। इसको बोल देता हूं इक्वेशन वन और इसको बोल देता हूं इक्वेशन टू, ठीक है, ये ऐसे ही है सवाल, साइन जेड के कॉस जेड के दोनों सवाल ऐसे ही। एक बात बताओ, व्हाट आई वांट टू फाइंड ए इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, मींस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू आई, ये तो साइन वन और कॉस वन तो कॉन्स्टेंट है, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस वाई, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट वाई, वाई खत्म करना है। देखो उधर इक्वेशन आएगी एक्स वाई में, आंसर आएगा यूवी में, आंसर किस में आएगा, यूवी में, मुझे वाई खत्म करना है किसी तरह से, वाई अगर मैं एक और दो में से खत्म कर लूं तो यूवी में आंसर आ जाए। हां जी बताना, यहां से कॉस हाइपरबोलिक वाई कितना आ रहा है, यू अपॉन साइन वन, साइन हाइपरबोलिक वाई कितना आएगा, वी अपॉन कॉस वन। आप हाइपरबोलिक की आइडेंटिटी जानते हैं क्या, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वेयर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू वन, जानते हैं, हो गया काम, कराया था ना पहले चैप्टर में, ये फर्स्ट चैप्टर में करा के आया था मैं, इसलिए करा के आया था सारे फॉर्मूले, ये कि दिक्कत ना आए कुछ भी। बोलिए कॉस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू यहां से उठा के रख दो इसमें, बताइए क्या आ गया, यू स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर वन माइनस में क्या, वी स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर वन, बच्चों समझ रहे हो क्या, इज इक्वल टू क्या, वन, दिस इज माई आंसर, यही तो मेरा आंसर है। यू वी के अंदर कर्व एक, अच्छा नीचे साइन वन कॉस वन पढ़ा है वो तो कॉन्स्टेंट्स है, साइन वन कॉस वन आर कॉन्स्टेंट्स पढ़े रहेंगे, मुझे क्या कह रही है वो। हां जी इलेवंथ क्लास की टू डिमेंशनल ज्योमेट्री से जानते हो, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन किसकी इक्वेशन है, और बीच में माइनस कर दूं तो किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला। याद है तो ठीक है, नहीं है तो आज लिख लो, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन इलिप्स की इक्वेशन होती है, और बीच में अगर माइनस है तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो अब बताओ ये इक्वेशन किस चीज की आ गई है, हाइपरबोला, ठीक है, बोलो बच्चों, तो ये इक्वेशन आपकी किस चीज की हो गई है, हाइपरबोला। मान लो मुझे ये हाइपरबोला वो करना है, ड्रॉ करना है, करें ऐसा करो, वी को जीरो रख लो, वी को जीरो रखा ये खत्म, साइन स्क्वेयर वन उठ के उधर गया, यू की वैल्यू प्लस माइनस साइन वन आ गई, साइन वन कोई नंबर होगा, साइन वन कोई नंबर होगा, तो साइन वन आपका यहां आएगा प्लस का, तो माइनस का साइन वन यहां आएगा, ए लो जी ऐसे बनेगा यू और ए यहां से यू, ये हाइपरबोला आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को लोकेट कर देना, कौन सा पॉइंट है ये, साइन वन, और ये क्या है, माइनस का साइन वन, ऐसे। वर्टिकल लाइन को साइन जेड जो है हाइपरबोला पे लेके गया, ये वर्टिकल लाइन थी हाइपरबोला पे लेके गया, हॉरिजॉन्टल लाइन होती ना इलिप्स पे लेके जाता, हॉरिजॉन्टल लाइन होती जो कहां लेके जाता, इलिप्स। बच्चों याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, पढ़ना रिजल्ट जरा एक्सरसाइज से ऊपर रिजल्ट है, क्या लिखा हुआ है, कर लोगे अगला सवाल, कर लोगे ना, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू वन दे रखी होती तो यहां पर y की जगह वन पुट कर देते, फिर ये दो इक्वेशन आती, फिर उनमें से क्या एलिमिनेट करते, x। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और हाइपरबोलिक में क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, थीटा ले लो जेड ले लो कुछ भी ले लो, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये पांचवें छठे क्वेश्चन उन दोनों आइडेंटिटीज से होंगे, आंसर मैंने लिखे हुए हैं, कर लेना घर जाके।
समझ गए क्या? एक ट्रिक सुन लो, एक बार पता नहीं गेट में या कहां एक क्वेश्चन आया था, उसने ना आंसर नहीं पूछा था, उसने सिर्फ यह पूछा था कि आंसर आएगा क्या, हाइपरबोला आएगा या पैराबोला आएगा या इलिप्स आएगा, और यह साइन जेड और कॉस जेड मैपिंग थी, साइन जेड हो या कॉस जेड हो। पढ़ना रिजल्ट क्या लिखा है, रिजल्ट पढ़ो 5.8 से ऊपर। जो साइन जेड कॉस जेड है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहां भेजते हैं, इलिप्स पे, और वर्टिकल को कहां भेजते हैं, हाइपरबोला पे। तो देखो ऐसे है, या तो तुम फोटो बना लो ऐसे, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, और यहां ये मैपिंग है साइन जेड कॉस जेड। याद करने का तरीका ये, राइट साइड में हाइपरबोला आएगा ऐसे, पहला दूसरा, हाँ सॉरी मैंने गलत बना दिया, क्या आएगा राइट साइड में, इलिप्स आएगा ऐसे, ठीक है। और अगर वर्टिकल लाइन हो और फिर ये मैपिंग हो साइन जेड ऑब्लिक कॉमा कॉस जेड, फिर राइट साइड में जो आएगा वो हाइपरबोला आएगा, यूं बना लो, ठीक है। साइन जेड कॉस जेड हॉरिजॉन्टल लाइंस को तो इलिप्स पे लेके जाते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हाइपरबोला पे लेके जाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एच, यहां याद रखो ई, यहां वी, तो यहां क्या याद रखो, एच हाइपरबोला। मतलब जस्ट क्या है ना कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो ये कैलकुलेशन करके हम निकाल ही लेंगे आंसर, कोई ऐसी खास बात नहीं है। ओके तो हॉरिजॉन्टल लाइंस विल गो टू द इलिप्स एंड वर्टिकल लाइन विल गो टू द हाइपरबोला, ठीक है।